देखो, पबजी बैन होने के बाद जो भी ऑनलाइन जो गेम है वो कैसे अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैंने फ्री फायर का एक ट्रेलर देखा था और उस ट्रेलर में हिंदी का यूज किया गया था। मेरा परिवार, हम हमेशा जीतते हैं और मैं कभी नहीं हारता, पर कभी कभी वही विजेता होता है जिसकी हार होती है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने, मुझे जहां तक याद आता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी गेमिंग का ट्रेलर मैंने हिंदी में ही देखा, और खासकर जो मोबाइल के अंदर गेम आ रही है उसका ट्रेलर हिंदी के अंदर दिखाना। और ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि भारत जो है वो कितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट के रूप में उभर के सामने आ रहा है, और बहुत सारी जो कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, वो कैसे इन्वेस्ट करने को तैयार हो रही है। तो ये कहना तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि आने वाले टाइम में भारत, वैसे भी अभी बहुत बड़ा गेमिंग हब बन चुका है, यहाँ पे बहुत सारी गेम्स आ रही हैं और आने वाले टाइम में इसका स्कोप और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अब फ्री फायर जैसी गेम की बात हो ही गई है तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो यार, इसमें पबजी और जो फ्री फायर है, ये जो दोनों ही इसके जो प्लेयर्स होते हैं एक दूसरे से, यार मैं कहूंगा इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। बहुत सारे मीम इनके ऊपर आते रहते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यार इनका यूजर इंटरफेस बिल्कुल अलग है और जो इनके ग्राफिक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा अलग है। पबजी खेलने वाला वो बिल्कुल भी फ्री फायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। बेशक हाँ, फ्री फायर खेलने वाला वो पबजी को पसंद कर सकता है, लेकिन पबजी खेलने वाला तो शायद ही बहुत कम होंगे जो फ्री फायर को प्रेफर करेंगे। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए ओपिनियन अपना दे रहा हूँ। अब देखो, ग्राफिक्स और यूआई अलग होना तो ये तो लाजमी सी बात है, अगर दोनों ही चीज़ें सेम हो जाती तो यार ये तो एक दूसरे की कॉपी कहलाती। पबजी बैन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर ये भी है कि यार ये फ्री फायर कौन से देश की गेम है यार, क्या ये बैन नहीं हो सकती क्या? तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, देखो यार फ्री फायर जो है वो सिंगापुर की गेम है, ये बैन नहीं हो सकती। और खैर इसके बारे में और चीज़ें बता देता हूँ। ये जो फ्री फायर है इसकी एक कंपनी है गरेना, जो इस कंपनी का जो मालिक है फॉरेस्ट ली है, जो चाइना का है, अभी वो फिलहाल सिंगापुर में रहता है, मतलब उसके पास सिंगापुर की सिटीजनशिप है। तो क्या पता आने वाले टाइम में उसके अंदर अपने देश के लिए, मतलब देशभक्ति जाग जाए और वो इस कंपनी को उठा के कहीं चाइना ले जाए, तो शायद ये बैन हो सकती है। बट अभी तो फिलहाल ये जब तक सिंगापुर की है तो मैं ये कहूंगा कि यार ये बैन नहीं होगी। चाइना का बढ़ता प्रभुत्व, कैसे वो दूसरे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है पैसों के दम पर, वहां पर वो राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर कर रहा है और हमारे देश में भी वो सीमा के अंदर आकर एग्रेशन की जो ये रणनीति जो अपना रहा है, और अभी हाल फिलहाल में प्योंगयांग झील के लेकर उन्होंने जैसे अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, तो जिसको भारत ने बहुत अच्छे से टैकल किया और इसको पीछे हटना पड़ा और इसके जो टेंट वेंट है वो सारे उखाड़ के फेंक दिए थे। तो सीमा के ऊपर तो भारत की जो सेना है वो इसको अच्छे से संभाल रही है, और भारत के अंदर भी जो बायकॉट चाइना है उसको लेकर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जोर पकड़े हुआ है। और अभी फिलहाल जो इकोनॉमिकली इनको जो लॉस करने के लिए, मैं इतनी जो ऐप जो बैन की गई है, वो शुरुआत में 59 ऐप बैन की गई थी, जिसमें टिकटॉक भी था, जिसमें बहुत सारे टिकटॉकर बेरोजगार हो गए थे। फिर उनकी जो क्लोन ऐप बन के आ गई थी 47, उनको बैन किया गया, और अब 118 ऐप बैन की गई है। और एक चीज, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझें तो भारत एक मिसाल कायम कर रहा है दूसरे देशों के सामने कि अगर भारत एक ऐसा देश जो इन ऐप को बैन कर सकता है तो बाकी के देश क्यों नहीं कर सकते। और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जैसा नजरिया बदल रहा है लोगों को देखने का भारत का, आप वो देखकर बड़े ही खुश हो जाओगे कि एक टाइम था जब अमेरिका ब्रिटेन में जो भी चीजें होती थी इन जैसे विकसित देशों के अंदर, और भी जो देश हैं, जो उन देशों की मिसाल लेकर इस देश में कहा जाता था कि देखो यार उस देश में ऐसा हो रहा है तो इस देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और आज वो टाइम आ गया है कि हमारे देश में जो चीजें की जा रही हैं, हमारे देश का मिसाल लेकर वहां के अखबारों में चीजें छपती हैं कि भारत अगर ये चीज कर रहा है तो वो देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो यार काफी ज्यादा एक गर्व की बात लगी जब मैंने टिकटॉक को बैन लेकर वहां पर अमेरिका के अखबार में जब चीजें छुपी थी कि भारत ने बैन कर दी तो अमेरिका क्यों नहीं कर रहा, तो काफी ज्यादा एक अच्छी चीज है कि आप एक बदलता नजरिया देखो कि पूरी दुनिया भारत को कैसे देख रही है। आज भारत की मिसाल दी जा रही है दूसरे देशों के अंदर। खैर यार, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।